हेलो एवरीवन, आज हम क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लिनिकल थर्मामीटर कैसे होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर ये ओवल क्लिनिकल थर्मामीटर है, इस तरह देखने में होता है। ये ओवल है और वेरियस टाइप्स का भी थर्मामीटर हो सकता है। द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज ए थर्मामीटर? थर्मामीटर क्या है? थर्मामीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम थर्मामीटर यूज करते हैं, लेकिन क्लिनिकल थर्मामीटर सिर्फ मेजर करता है टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या क्या पार्ट्स है? एक्चुअली देयर आर थ्री पार्ट्स। यहाँ पर एक पार्ट्स देखते हैं, इसको बोलते हैं बल्ब ऑफ द थर्मामीटर। ये बल्ब में मरकरी यहाँ पर रहता है, मरकरी। और यहाँ पर देखिए एक जो कैपिलरी है, यहाँ पर मरकरी ऊपर नीचे जाता है। और यहाँ पर एक किंग दिया हुआ है, किंग मतलब एक बेंट है। ये बेंट किस पर्पज से दिया हुआ है कि थर्मामीटर जो मरकरी है, ये जो अगर इसमें थोड़ा सा उस देर के लिए ये स्टेबल रहता है, यानी कि ये किंक रहता है, इसीलिए ये बहुत जल्दी जो मरकरी मेजरमेंट देता है वो नीचे नहीं गिरता है। दैट इज द यूज ऑफ किंक। अगर ये किंक नहीं रहता तो ये मरकरी जो रीडिंग है बहुत जल्दी उठ जाता और साथ साथ ये नीचे भी चला आता। इसीलिए एक किंग दिया हुआ है कि कुछ देर तक हम रीडिंग ले सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ये मरकरी नीचे आता है। ठीक है, नाउ हमें अभी जानना है कि ये क्लिनिकल थर्मामीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है। सबसे पहले हमें जानना है कि लिस्ट काउंट क्या होता है। लिस्ट काउंट इज द मेजरमेंट ऑफ स्मॉलेस्ट डिविजन इन एन इंस्ट्रूमेंट। लिस्ट काउंट स्मॉलेस्ट डिविजन का मेजरमेंट होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का। जैसे यहाँ पर देखें, ये एक क्लिनिकल थर्मामीटर है जो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों में दिया हुआ है। तो इसका रेंज क्या है, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। रेंज है इन सेंटीग्रेड 30, आप बहुत अच्छे से देखिए, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री फ़ारेनहाइट। और फ़ारेनहाइट में अगर हम देखते हैं तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। अभी हम लिस्ट काउंट निकालेंगे। एक्चुअली लिस्ट काउंट क्या होता है, मैंने पहले ही बताया, लिस्ट काउंट इज द मेजरमेंट ऑफ स्मॉलेस्ट डिविजन ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर है, इसका हम लिस्ट काउंट निकालेंगे। तो हम कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए जी, सेंटीग्रेड स्केल में 35 डिग्री सेंटीग्रेड और 36 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना डिवीजन है। तो डिवीजन हमें यहाँ काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिवीजन है। इसका मतलब है 10 डिवीजन इक्वल टू 1 डिग्री। तो 1 डिवीजन इक्वल टू 1/10, यानी कि 0.1 डिग्री। तो लिस्ट काउंट सेंटीग्रेड स्केल में 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है कि एक डिवीजन का 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। हम स्केल में बहुत अच्छे तरह रीड कर सकते हैं कि कितना डिवीजन यहाँ क्या है, उससे 0.2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा सेंटीग्रेड में उसका रीडिंग निकल जाएगा। फिर हम देखते हैं फ़ारेनहाइट में क्या है। फ़ारेनहाइट में देखिए, फ़ारेनहाइट का जो रेंज है ये 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है। अभी हम इसका लिस्ट काउंट निकालेंगे। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 94 डिग्री फ़ारेनहाइट और 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में 5 डिवीजन है। इसका मतलब है कि 5 डिवीजन इक्वल टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 1 डिवीजन होगा 1/5 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 0.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो लिस्ट काउंट मैंने निकाला फ़ारेनहाइट में 0.2 और सेंटीग्रेड में 0.1। ठीक है, तो सेंटीग्रेड में निकालने और सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों का हम लिस्ट काउंट निकाल दिए हैं।
अभी हम वो भी मेजरमेंट बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं। ठीक है, नाउ और एक क्वेश्चन है कि क्या हम ये क्लिनिकल थर्मोमीटर और किसी भी पर्पस में यूज कर सकते हैं? नहीं, क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज ओनली टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी और दूसरे किसी भी हम चीज का मेजरमेंट इससे नहीं कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सेंटीग्रेड और फारेनहाइट स्केल में क्या कोई रिलेशन है? हाँ, सेंटीग्रेड और फारेनहाइट स्केल में रिलेशन है एंड द रिलेशन इज C/5 = F - 32/9। क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में कोई डिफरेंस है? हाँ है, हम क्लिनिकल थर्मोमीटर सिर्फ यूज करते हैं टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, लेकिन एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर में हम यूज करते हैं टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन द लेबोरेटरी, इन इंडस्ट्री और फॉर एनी मेजरमेंट इन द होम ऑल्सो। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर कोई भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर कर सकता है और क्लिनिकल थर्मोमीटर इट ऑनली मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑनली। तो ये डिफरेंस है बिटवीन क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर में यहाँ पर एक किंक रहता है जो मर्करी को कुछ देर तक हम रीडिंग देख सकते हैं और धीरे धीरे ये नीचे आता है, लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर में कोई भी यहाँ पर किंक नहीं रहता है। वो थर्मोमीटर में हम जहाँ पर जो इसका मेजरमेंट ले सकते हैं, जब तक टच होता है वो मेजरमेंट ले सकते हैं और वहाँ से अगर हटा देंगे तो फिर से नीचे धीरे धीरे चला आता है, तो क्योंकि वहाँ पर कोई भी किंक नहीं है। तो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। इन द नटशेल यू कैन से दैट ए क्लिनिकल थर्मोमीटर ओनली मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन सेंटीग्रेड स्केल और इन फारेनहाइट स्केल। नाउ वन क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इज 36.9 degrees centigrade और 37 degrees centigrade एंड द नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर इन फारेनहाइट स्केल इज 98.4 degrees Fahrenheit। इज देर एनी रिलेशन बिटवीन सेंटीग्रेड एंड फारेनहाइट? यस देर इज, द रिलेशन इज C/5 = F - 32/9। देर इज द सेंटीग्रेड एंड एफ इज द फारेनहाइट। तो हमें क्लिनिकल थर्मोमीटर्स के बारे में हम जान चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैसे होता है और कैसे हम उसका लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं और कैसे हम कोई भी चीज़ का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।